17 रमजान उल मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का यौम शरीफ गुजरा। बारगाह इलाही व रिसालत माब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इनका मकाम और उम्मत मुस्लिमा में उनकी शान और फजीलत पर कुछ इरशाद फरमाया। जज़ाकअल्लाह खैर। उनका मकाम बहुत बुलंद है। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में उनकी हरम मोहतरम है और सरकार का रिश्ता वो है कि सरकार ने फरमाया कि कुल्लु नसबिन व हसबिन मुनक़तिउन इल्ला नसबी व हसबी। हर रिश्ता और हर हसब जो है वो टूट जाएगा, कट जाएगा, मगर मेरा रिश्ता जो है वो मुनक़ति नहीं होगा। तो वो तमाम मुसलमानों की माँ है, हुज़ूर की हरम मोहतरम है और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ उनका मर्तबा यह है कि फुकहाए सहाबा मुज्तहिदीन सहाबा जो है हुजूर के हुक्म से, हुजूर ने फरमाया खुदू नस्बा दीनकुम अन हाज़िही हुमैरा, अपना आधा दीन इस हुमैरा से लो। ये उनका जो है मर्तबा है। इसीलिए बाद उलमा ने यह फरमाया हजरत आयशा अफजल है या फातिमा अफजल है, तो बाद लोगों ने यह फरमाया कि चूंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ये फुकहाए सहाबा में है और एक फकीह जो है वो गैर फकीह से अफजल है, लिहाजा उनका मर्तबा जो है वो सबसे अफजल है।